आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टू स्ट्रोक साइकिल इंजन कैसे वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फोर स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि टू स्ट्रोक साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं टू स्ट्रोक साइकिल के। तो वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं कि टू स्ट्रोक साइकिल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हैं पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक, गर्जियन पिन, स्पार्क प्लग, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट है और एक इनलेट पोर्ट है और रीड वाल्व जो कि एयर और फ्यूल मिक्सचर को अंदर आने के लिए एंटर करने के लिए बिकम्स देता है। ओके गाइस, तो ये जान लिया आपने जो क्या क्या कंपोनेंट्स है। यहाँ फिन्स भी लगाए गए हैं जिससे कूलिंग अच्छी तरह मिले। एक और डिफरेंट करते हैं हम लोग कि जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि फोर स्ट्रोक साइकिल और फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या है। फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं और टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर सिर्फ इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट दिए जाते हैं और एक ट्रांसफर पोर्ट दिया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन के अंदर हमें मेंटेनेंस कम मिलता है और फोर स्ट्रोक में ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कि इसका वर्किंग कैसे है। ओके गाइस, हियर इज़ अ वर्किंग। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये अप स्ट्रोक है और ये डाउन स्ट्रोक है। अप स्ट्रोक मीन्स व्हेन द पिस्टन गोज फ्रॉम BDC टू TDC। BDC मीन्स बॉटम डेड सेंटर एंड TDC मीन्स टॉप डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर से जब पिस्टन TDC पर होता है तो आप देख रहे हैं यहाँ से एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो अंदर आ रहा है, राइट गाइस, और पिस्टन को वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उसको हम बोलेंगे कि अब ये पिस्टन कंप्रेस कर रहा है। और आप दूसरे स्टेप में देख सकते हैं डाउनवर्ड में कि पिस्टन जब नीचे आता है तो जैसे जो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर गया है वो ट्रांसपोर्ट लाइन के थ्रू ऊपर जाता है, मीन्स ये फ्रेश है। ओके, और जैसे ये नीचे आता है तो यहाँ से एग्जॉस्ट। अब इसका पूरा वर्किंग मैं आपको अंडरस्टैंडिंग में बताता हूँ कि कैसे होता है। तो मैं पहले बात बता दूँ कि टू स्ट्रोक, इसमें दो स्ट्रोक होते हैं और हर स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होता है। फोर स्ट्रोक इंजन में आपको बताया गया था कि थर्ड स्ट्रोक के ऊपर पावर प्रोड्यूस होता है, इसमें हर स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होता है। इसमें कोई वाल्व नहीं होते हैं और जो भी इसका कंप्रेशन है, इग्निशन है और एग्जॉस्ट और इनलेट है वो साइमल्टेनियसली होता है। ओके गाइस, सो दिस इज़ अ वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। तो आप देख सकते हैं पहले वीडियो में कि यहाँ पे प्रेशर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पिस्टन जब मूव हो रहा है अप साइड में तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। जैसे ही पिस्टन, अब सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि पिस्टन ऊपर गया तो फ्यूल एयर इनटेक पोर्ट से फ्रेश एयर मीन्स फ्यूल एयर का मिक्सचर इनलेट हुआ। ओके गाइस, देख रहे हैं आप, इसमें वाल्व की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी जो मूवमेंट हैंडल हो रहा है वो किससे हैंडल हो रहा है, पिस्टन से। हर एक वर्किंग पिस्टन से यहाँ हैंडल किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट थ्रू के यहाँ पे आ रहा है। अब थर्ड स्टेप में देखिए, फ्यूल एयर मिक्सचर मीन्स जब पिस्टन डाउनवर्ड जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो इनलेट पोर्ट है वो पिस्टन के थ्रू बंद हो गया है और जो भी फ्रेश एयर है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है। अब फोर स्ट्रोक में देखिए, अब फोर स्टेप में देखिए, फोर स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऊपर गया और आप देख सकते हैं जो ऊपर कंबस्टिबल मटेरियल है, मीन्स जो एग्जॉस्ट गैस है, वो पोस्ट के थ्रू बाहर आ गई है। ठीक है, इसमें स्केवेंजिंग होता है। एक स्केवेंजिंग मीन्स के जो पिस्टन है इसका डिजाइनिंग जो होता है स्केवेंज टाइप होता है, और स्केवेंजिंग मीन्स जो स्मोक गैसेस है, जो कंबस्टिबल मटेरियल की जो गैसेस है स्मोक, वो बाहर जाए, उसको स्केवेंजिंग कहते हैं हम। इसमें स्केवेंजिंग की ज़्यादा मात्रा होती है, मीन्स जैसे ऑयल जैसा होता है और जो इंजन के अंदर ऑयल और पेट्रोल दोनों एक साथ इग्नाइट होता है, इसलिए इसमें कार्बन की समस्या ज़्यादा होती है। अब मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल वर्किंग बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। ओके गाइस, तो दिस इज़ द फुल प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन। आप देख सकते हैं कि इसमें वाल्व की कोई ज़रूरत नहीं है, सक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट थ्रू के ऊपर ऊपर जा रहा है
और पिस्टन अप डाउनवर्ड हो रहा है, सारे के सारे जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली कंट्रोल हो रहे हैं, स्पार्क भी हो रहा है और पिस्टन मूवमेंट अपमेंट हो रहा है। सो गाइस, दिस इज़ द वीडियो एंड द वर्किंग डिटेल ऑफ द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में मैंने जो आपको बताया, अगर कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस एडू इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और भी आगे हम अच्छे वीडियो जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत जल्द मैं इंस्टाग्राम पर भी अपना पेज बनाने वाला हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं, एक्टिव पर मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, उसमें भी आप लाइक कर सकते हैं और आपको एडू इंजीनियरिंग के वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।